जर्मन संगठन के 8वें वर्धापन दिन के अवसर पर महिला रोजगार रैली का उद्घाटन अध्यक्ष नितेश राणे और उनकी पत्नी नंदिता राणे द्वारा किया गया। जो महिला अपनी परिस्थिति के कारण पढ़ नहीं पाती और जिन्हें इस वजह से नौकरी नहीं मिल पाती, ऐसी महिला और पढ़ी लिखी महिला को स्वाभिमान संगठन द्वारा नौकरी दी जाएगी, ऐसा कहना है नितेश राणे का। लगता है कि आज के रोजगार विभाग के माध्यम से हम लोग महिलाओं को ताकत देने की कोशिश हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जब भी कुछ घटना घटती है तभी हम लोग को उनको लोगों को मदद करने, महिला हो या अन्य लोगों को मदद करने के लिए हम लोग तैयार होते हैं या आगे आते हैं। हम उस बात पे विश्वास रखते नहीं, हम उसे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने हमेशा ही महिलाओं की ताकत देने के काम, विकास करने का काम करना चाहिए और इसी सोच के अनुसार हम लोग हमारा प्रयास चालू रख रहे हैं। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के स्मारक बनाने में देरी हो रही है, ये कहने के बजाय मनोहर जोशी अगर बालासाहेब ठाकरे से प्यार करते हैं तो शिवसेना भवन के पास की जो कोहिनूर की जगह है वह जगह स्मारक बनाने को उपलब्ध करा कर दे, ऐसा नितेश राणे का कहना है। करिश्मेटिक और उद्धव ठाकरे का कोई संबंध ही नहीं है, मतलब करिश्मेटिक का बात ही नहीं है, उनका आवाज ऊपर होता है, हाथ नीचे होता है, हाथ ऊपर होता है, आवाज नीचे होता है, इसलिए कॉमेडी नाइट विद उद्धव ठाकरे कल रात का है, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। और जो आम शिवसैनिक जो अभी तक बाला साहब के विचार और बाला साहब को देखने आता था, आज उसको जबरदस्ती उधर लाया जा रहा है, ऊपर शाखा प्रमुख को बताया जा रहा है कि तुम 5 बस भर के नहीं लाओगे तो तुम्हारा पद रहेगा नहीं, तुमको आमदार की या लोकसभा का टिकट चाहिए तो तुमको 500 बस लेके आना पड़ेगा। ये झूठ नहीं है, सच है। आप कोई भी शिवसैनिक को पकड़ के पूछो, कैमरा ऑफ करो और उसको पूछो, ये सच है। तो इसलिए उनको जो आने वाला पहला शिवसैनिक खुद होके शिवसेना मतलब शिवाजी पार्क आता था, कल आने वाला शिवसैनिक जबरदस्ती लाए हुए शिवसैनिक कल है। साथ ही कहा कि मनोहर जोशी ने षड्यंत्र कर नारायण राणे और राज ठाकरे को पार्टी से अलग किया है, इन दोनों के साथ जनता है लेकिन अब मनोहर जोशी के साथ कौन देगा, ऐसा नितेश राणे ने आयोजित समारोह में कहा। मनोहर जोशी ने जो शिवसेना में पहले से किया, जो षड्यंत्र उन्होंने रचा, जिसके वजह से राज साहब, हमारे राणे साहब और जो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो बाला साहब के पास के थे, सबको जैसे उन्होंने वो बाहर निकालने का कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का जो काम किया, आज वो उनके ऊपर हो रहा है। जो हम जिस तरह का दूसरे के साथ हम लोग बिहेवियर रखते हैं वो हमारे पास भी आता है कभी ना कभी, भगवान जो कुछ भी है तो इधर ही नीचे देता है, तो उसके वजह से मेरे को आश्चर्य नहीं हो रहा, इसलिए हमको आनंद हो रहा है क्या जो मनोहर जोशी के ऊपर जो हो रहा है, मेरे हमें उनको और भी उसके बुरी हालत में हमको उनको देखना है।